तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में और हमारे चैनल द मोटो व्लॉग्स पर। देखो किक नहीं है, तो किक नहीं है आप लोगों को पता है कि सिर्फ इसमें सेल्फ से ही स्टार्ट हो सकता है। और तो अगर आपकी बाइक कभी स्टार्ट नहीं होती है और या तो आपका जो बैटरी है वो डेड हो जाता है तो आप बाइक को कैसे स्टार्ट करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हमें पता है हम भाई धक्का पेल करके गाड़ी स्टार्ट कर ही देते हैं गियर पे। तो ये जो न्यू क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड की है तो क्या ये धक्के से स्टार्ट होगी, हम इस वीडियो में यही चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फिलहाल मैं कैमरे को थोड़ा दूर रखूँगा ताकि आप लोगों को पूरा दिखे। तो हर एक गियर में हम लोग ट्राई करेंगे, पहले फर्स्ट गियर पे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पाँचवें। तो ऐसे में आप लोगों को पता लग जाएगा कि भैया कौन से गियर पे ये स्टार्ट हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं जा रहा हूँ और आप लोग देखते रहिए कि मैं पहले फर्स्ट गियर से स्टार्ट कर रहा हूँ और ऐसे ही मैं सारे गियर से स्टार्ट, मतलब एक बार अगर स्टार्ट होती भी है तो अभी हम कंटिन्यू रखेंगे फिफ्थ गियर तक। तो गाइज हमने सारे गियर्स पे ट्राई किया है, तो दूसरे गियर पे स्टार्ट हुआ है और बाकी तीसरे, चौथे, पांचवे पे हमने तीसरे में शायद दो ट्राई किया है तब भी नहीं हुआ है। और अभी लास्ट टाइम एक और बार हम दूसरे गियर पे ट्राई करेंगे, ये देखेंगे कि मतलब जो दूसरे गियर में स्टार्ट हुआ था तो इसमें भी दूसरे गियर में स्टार्ट होगा कि बाकी में स्टार्ट होता है, ये ट्राई करेंगे। एक बार और चेक करेंगे कि दूसरा कहीं ऐसा ना, मतलब कि अब दोबारा ना हो रहा हो। तो चलिए देखते हैं।